आइए आइए दूल्हे राजा। हाय हाय। अरे एक मिनट यार, बात चलो। अरे भाभी काफी मॉडर्न है, भैया की तो निकल पड़ी। चुप कर राहुल। थैंक यू कहो। थैंक यू। पूछोगे नहीं क्यों? वो क्या है ना, सिर्फ गहने निकालने में पूरा एक घंटा जाता है, तो मैंने सोचा। यार कुछ मिसिंग है क्या? हमारा फेवरेट परफ्यूम वर्साची। ग्यारह बज गए और भाभी अभी तक सो रही है। मैं उठा के लेके आता हूँ। अयान भैया, रात भर तो आप ही ने उसे जगाया होगा, आप तो सोने दीजिए। लेकिन भाभी, करण ने भी तो आपको रात भर जगाया ही ना, लेकिन आप तो उठ गई। अयान सोने दे बहू को। का नई भौजी है। हाँ। बहुत स्मार्ट लागत है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाय भाभी, नाइस ड्रेस, यू लुकिंग वेरी हॉट। अबे थैंक्स। क्या हुआ? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इधर ऊपर चली। मैं अभी आई। अरे अयान क्या हुआ? ये तुम क्या पहन के नीचे चली आई? व्हाई, इजंट इट ब्यूटीफुल? आई लव दिस नाइटी। यू नो इट्स वेरी नाइस, लेकिन इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है। ये ऊपर से थोड़ी सी नीचे है और नीचे से थोड़ी सी ऊपर है। पर मैं कंफर्टेबल हूँ। इवन आई एम वेरी कंफर्टेबल, लेकिन सिर्फ बेडरूम में। बाहर आई एम वेरी अनकंफर्टेबल। मम्मी ने इतने प्यार से बनवाई थी। हाँ, तू अपनी मम्मी को दो ना, तुम्हारी मम्मी से बहुत अच्छी लगेंगी। मम्मी के पास बहुत है। आई एम सो हैप्पी फॉर योर डैडी। मुझे एक बात बताओ, तुमने ये ड्रेस किसके लिए पहनी? और किसके लिए? आपके लिए? मेरे लिए? सच? अब तुम्हें मालूम है ना कि हर आदमी पे एक ही चीज का भूत सवार रहता है। सेक्स। डिस्गस्टिंग। है ना? ऐसे तीन डिस्गस्टिंग लोग मेरे घर में मौजूद हैं। एक मेरा धोबी, एक मेरा नौकर और एक मेरा दूध वाला। और दूध वाले की सोच ना इस मामले में बहुत दूर दूर तक जाती है। अयान, तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं ये ड्रेस बेडरूम से बाहर नहीं पहनूं? हाँ। तो बस इतना बोल दो ना, मैं नहीं पहनूंगी। बट आई एम नॉट कन्विंस्ड। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, एक दिन मैं तुम्हें 100% कन्विंस कर दूंगा। अयान, बेडरूम के अंदर तो तुम कंफर्टेबल हो ना? बोला ना वेरी अनकंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि बेडरूम में ऊपर से थोड़ा सा और नीचे और नीचे से थोड़ा सा और ऊपर चाहिए। नॉटी। आई एम वेरी अनकंफर्टेबल। सी यू लेटर। ऑर्थोडॉक्स।